का करेगा? है मिंटू, वो तो तुम्हारे शक्ल भी नहीं देखना चाहती यार, तुमसे बात कैसे करेगा? हम कोशिश करेगा निमकी जी से बात करने का। निमकी सुनेगी कि मिंटू उसका वोट बदलना चाहती है तो गुस्से से पागल हो जाएगी। बेटा सोच लो, बात करने का हिम्मत है तुम में? बेटा जब सवाल जिंदगी का हो ना तो उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता, समझे तुम? कैसे भी करके निमकी जी से बात तो करना ही पड़ेगा ना, अब वरना सुखला ना हम सबका खाल खिंचवा लेगा। हाँ यार, बात तो तुम सही बोल रहा है, निमकी जी से कुछ करके बात तो करना ही होगा। पराग बाबू, क्या पता गया शंकर जी, सोने नहीं देंगे काम को। अब माफी चाहते हैं पराग बाबू, हमको पता नहीं था आप सो रहे हैं। शंकर जी अब जगाई दिए तो आ जाइए अंदर, बोलिए क्या कहने आए थे। कुछ नहीं, बस ये बताने आए थे पराग बाबू कि उस दिन जो निमकी के साथ देखे थे ना। कौन था निमकी के साथ? अभिमन्यु राय नाम है उसका, PWD में असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी है। निमकी के गांव में पहले BDO था। तो ऐसा क्या कर दिया वो? किया कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो कहा है उसका ब्यौरा दे रहे हैं हमको? हमारा नींद से कोनो दुश्मनी है का आपको? पराग बाबू उस दिन आप निमकी के साथ उसको देख के बोले थे ना हमसे कि उसके बारे में पता लगाओ। क्या शंकर जी, यहाँ सरकार दांव पे लगा है और आप पता लगा रहे निमकी के साथ कौन था? अब जाइए हमको सोने दीजिए। हाँ तो मोनू, नाई का बंगला 3 फ्लोर का होगा, एकदम टॉप फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर और स्पा होगा, नोट करो। टॉप फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर और स्पा, आगे बोलो दीदी। गेट एकदम चौड़ा होना चाहिए, इतना चौड़ा कि हेलीकॉप्टर अंदर आ सके वो गेट से। नाक से देखे, भूत देखे, अपना आँख से भूत देखे। दीदी हेलीकॉप्टर तो ऊपर से आता है ना, फिर गेट। जब ब्यूटी पार्लर में हम रिलैक्सिंग कर रहे होंगे तो हेलीकॉप्टर का आवाज सब डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे? चुप करके जो बोले हो लिखो। हाँ लिख लिया। चाची कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अरे भोजन कर रहे थे। चाची तुम हमसे भी झूठ बोलोगी? बताओ ना क्या बात है? अरे बेटा हमारा माथा में ना भूकंप हो रहा, हमारा दिमाग शांत नहीं है, हम ये लिए तुलसी का पत्ता तोड़ के काढ़ा बना के पियेंगे तो हमारा दिमाग शांत हो। बाकी ये बात निमकिया को मत करना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम निमकी से इतना डरती काहे हो। तुम्हारे जो मन में है तुम साफ साफ बोलो ना। ये बोले कि हम भूत देख लिए हैं, भड़क जाएगी हमारे पर। हम तो दे देते उसको जवाब, खाली मोनू की वजह से चुप रह गए हम। ए बेटा देखो ये झगड़ा झगड़ी से ना कुछ मिलने वाला नहीं, आखिर निमकी ने तुमको यहाँ ले आई। आए चुप। चाची हम मजबूरी में ही यहाँ पे रह रहे हैं, जिस दिन वो हम पे ध्वस जमाएगी ना सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे हम यहाँ से। तो हम क्या कह रहे हैं कि बंगला के सामने ना एकदम बड़का वाला लॉन होना चाहिए, जो ये जो लॉन है उससे 4 गुना बड़का, ताकि जब हमारी चाची है वो थोड़ा दौड़ेगी भागेगी तभी ना थोड़ा वजन घटाएगी। का चाची? हाँ। देखी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अरे बहुत ही ख्याल रखती हो तुम हमारा निमकिया, इतना ख्याल कोई किसी का नहीं रखता होगा, और वो भी पड़ोस की चाची का। बहुत ही ख्याल रखती है हमारी बेटी हमारा। हे बेटा बाकी एक बात बताओ कि बंगला का तुम जो बात कर रही थी वो कैसे मिलेगा, कौन देगा? हाँ दीदी चाची एकदम सही बोली, असली बात तो तुम बताई नहीं। अरे भाई थोड़ा टाइम का ही सस्पेंस है, सबको पता चल जाएगा। अब ज्यादा दिन नहीं रुक सकते क्योंकि रिस्क हर दिन बढ़ता जा रहा है। आप तैयारी शुरू कीजिए, हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पहचान के कई डॉक्टर, अगर आप कहें तो उनसे। नहीं 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 उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बस ये बताइए ऑपरेशन करना कब है? तैयारी का दिन जोड़ के अगला हफ्ता समझिए। अगला हफ्ता? हम ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, हम तब तक पैसा जमा करा देंगे। ठीक है। अरे
ऐसा क्या करें जिससे निमकी जी शुक्ला के पक्ष में वोट डालने को तैयार हो जाए, और मनाए भी तो कैसे, वो तो हमारा शकल तक नहीं देखना चाहती। टॉप सीक्रेट वाला बात है, हम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मिनिस्टर? तुम बनोगी मिनिस्टर? देखो वैसे तो हम तुम लोग को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम लोग फैमिली हो तो इसलिए टेस्ट कर सकते हैं। गंगा देवी जी हमको अपना पार्टनर बना ली है। गंगा देवी का पार्टनर? हम गंगा देवी जी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अरे इसलिए तो विधानसभा जा रहे हैं हम, ताकि सब सपोर्टर लोग से बात कर सके। दीदी ये बात तुमको खुद गंगा देवी बोली? और नहीं तो का? अरे यहाँ तक पहुँचने के लिए और गंगा देवी जी को अपना वैल्यू समझाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है हमको, जानते हो तुम? एक टाइम पे तो हमको लगा था कि हम गंगा देवी जी से दुश्मनी मोल ले लेंगे, लेकिन शुक्र है भगवान का सब कुछ हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें हिसाब से। पापा सही कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है। तुम अभी तो विधायक बनी हो और वो तुमको मिनिस्टर बना देंगी। हाँ तो तुम भी गांव की लड़की होकर टेनिस खेली हो ना, तुमको भी मौका दिया है ना सब। दीदी निमकी दीदी पता है तुम ना कितना तारीफ कर रही थी। दीदी बोल रही थी कि महुआ से जितना उम्मीद नहीं किए तो उससे भी ज्यादा करके दिखाई है महुआ। तारीफ करने के लिए ना कैसा खेलती है वो भी देखना जरूरी है। रहने दो, तुम क्या कर लोगी हमारा खेला देख के? हाँ तो ठीक है ना, तुम हमारा जिंदगी में दखलंदाजी मत करो तो हम भी तुम्हारा जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी। ए महुआ बैठो, बैठो ही। हाँ दादी बोलो कैसी हो? हम तो ठीक हैं। मिंटू तुमसे मिलने आया था का? अब हाँ आया था। कुछ बोला तुमसे? नहीं, हमको जरा कुछ काम था तो जरा बात नहीं हो पाया। कहे? तुमसे मिलने के बाद मिंटू बहुत टेंशन में है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसलिए हम सोचे कि हम तुमसे पूछ ले। तुमरे और मिंटू के बीच में कुछ हुआ है का? ठीक है, हम उससे बात करके देखते हैं। अरे सुनो तो, मिंटू तुमको गिफ्ट दिया कैसा लगा? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मिंटू तो बोला तुमको गिफ्ट दिया है। हाँ मिल गया गिफ्ट। खोल के देखो और हमको बताना कैसा लगा। हाँ ठीक है बताते हैं। बात हो गई, मिंटू का है इतना टेंशन में? जी भैया जी, मान गए का विधायक? अभी कोई न्यूज नहीं है देने के लिए। का है? नौटंकी कर रही है का? बोले तो मदद के लिए भेजे लड़का लोग। नहीं अभी हमारा कोई बात नहीं हुआ है उससे। अभी तक बातें नहीं की हो? ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जो करना है जल्दी करो। नहीं तो हमारा लड़का लोग रेडी है, या तो विधायक के पास भेजेंगे नहीं तो तुम्हारे दादी के पास। अब ज्यादा दिन नहीं रुक सकते क्योंकि रिस्क हर दिन बढ़ता जा रहा है। हमको ना तुमसे बात करना ही नहीं है, और जो भी कुछ तुम कियो ना एक बार इसके बाद तो हमको तुम्हारा शकल भी नहीं देखना है, समझे? हमारा लड़का लोग रेडी है, या तो विधायक के पास भेजेंगे नहीं तो तुम्हारे दादी के पास।